बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज हम बताना सीखेंगे सिचुएशंस को। कोई बंदा कहाँ खड़ा है, कोई क्या फील कर रहा है, कोई किस प्रकार सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, एक्चुअल में टिपिकल जो ग्रामर है ट्रांसलेशन से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें इंग्लिश में बोलने का तरीका पता होना चाहिए, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और कई जगह पर हम फ्रेसिस भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं स्क्रीन अपनी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर कि बिल्कुल शब्दों पे आपको ध्यान नहीं देना है, शब्दों का, हिंदी का सहारा केवल हम सिचुएशन को समझने के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस सबसे पहले है कि बच्चे छुपा छुपी खेल रहे हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि स्टोरी से कनेक्ट कर पाए आप। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, छुपा छुपी, छुपन छुपाई का जो गेम होता है। अगला सेंटेंस से स्टार्ट होती है सिचुएशन। सबसे छोटा वाला कंबल के अंदर छुपा हुआ है, सबसे छोटा वाला कंबल के अंदर छुपा हुआ है, द यंगेस्ट वन। अगर हम यहाँ पे दा का इस्तेमाल कर लें तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। द यंगेस्ट वन इज हाइडिंग अंडर द ब्लैंकेट। अंडर द ब्लैंकेट यानी उसने खुद को कवर किया हुआ है पूरा ब्लैंकेट के अंदर। द यंगेस्ट वन इज हाइडिंग अंडर द ब्लैंकेट। देखिए, हमने यंगेस्ट वन कह दिया यहाँ पर, यानी कि सबसे छोटा वही है। अगर हम कह देते द यंगर वन इज हाइडिंग अंडर द ब्लैंकेट, तो सिंपल कि उससे भी छोटा कोई हो सकता है, वो है छोटा वाला, लेकिन उससे भी छोटा हो सकता है, वो होता है ना गुड बेटर बेस्ट। तो बेस्ट ईएसटी हम वहां आकर के लगा देते हैं, जैसे कि बंदा बहुत तेज दौड़ता है तो ही इज द फास्टेस्ट रनर। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज, उससे ज्यादा कोई नहीं रहा। व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जबकि दूसरा दरवाजे के पीछे खड़ा है। द यंगेस्ट वन इज हाइडिंग अंडर द ब्लैंकेट, जबकि दूसरा दरवाजे के पीछे खड़ा है। अब देखिए एग्जैक्टली पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे सिचुएशन को, तो कैसे? व्हाइल अदर वन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, व्हाइल का इस्तेमाल कर लिया, यानी एक खड़ा है और उसी दौरान, व्हाइल अदर वन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। अदर वन यानी कि दूसरा वाला, या फिर हम एल्डर वन भी कह सकते हैं कि बड़ा वाला। व्हाट द पॉइंट? तो वन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर कंडीशन में वाला लगाने के लिए। द अदर वन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, यानी दूसरा वाला या बड़ा वाला दरवाजे के पीछे खड़ा है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, और उनकी बहन छत पे जाके छुप गई है। उनकी बहन छत पर जाकर छुप गई है, एंड द सिस्टर हैज गॉन अपस्टेयर्स टू हाइड। देखिए, इसमें समझने की क्या चीज है, थोड़ा सा ये हाइड का मतलब छुपाना भी है और छुपना भी है, राइट? तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एंड द सिस्टर हैज गॉन अपस्टेयर्स टू हाइड, या फिर आप इतना लिटरल शब्द इस्तेमाल करें छत का, तो आप कह सकते हैं देयर सिस्टर हैज गॉन ऑन द रूफ टू हाइड। ऑन द रूफ भी कह सकते हैं, अप द रूफ रूफ भी कह सकते हैं, और अपस्टेयर्स कह दिया आपने, तो आपने ऊंचाई की तरफ इंडिकेट करा है, जीने से चढ़ के गई है। एंड द सिस्टर हैज गॉन अपस्टेयर्स टू हाइड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अयान मुझसे कह रहा है कि एक बहुत बड़ी अलमारी ला दो। और अयान मतलब मेरा बेटा, अयान मुझसे कह रहा है कि बहुत बड़ी अलमारी ला दो। एक चीज और है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं हम, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग, नेचुरल इंग्लिश जो होती है उसके सेशन आपको यहाँ मिलेंगे। दूसरी चीज, आप बिल्कुल फ्री में हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। तो ड्यूरिंग द सेशन में अपना नंबर आपको दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक, क्लास की टाइमिंग वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी आपको। ऑल क्लासेस आर फ्री। वहां पे जब आप लाइव सेशन में बैठ के को लर्नर्स के साथ बात करेंगे, सिचुएशनल इंग्लिश जब सुनेंगे कि कौन सी सिचुएशन में सेंटेंस कहाँ से स्ट्रक्चर हुआ, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है, कौन से वर्ड को यूज करने से मीनिंग बदल गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी कम्युनिकेशन को एनहेंस करने में, परफेक्ट करने में। ऑलराइट, तो दो काम करने हैं, एक तो सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप नंबर लेकर के मुझे व्हाट्सएप करना है और लाइव सेशन में आना है। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। राइट, लेट्स गेट बैक टू इट। अयान मुझसे कह रहा है कि एक बहुत बड़ी अलमारी ला दो। हाँ, सो अयान इज आस्किंग मी, मुझसे कह रहा है। देखिए, आस्क मतलब पूछना भी है, और आस्क मतलब कहना होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से मांग रहे हैं आप, रिक्वेस्ट करने का इसका मेन तात्पर्य है। अयान इज आस्किंग मी टू गेट हिम अ बिगर वार्डरोब। वार्डरोब मतलब अलमारी। अयान इज आस्किंग मी टू गेट हिम, उसके लिए लाने के लिए कह रहा है, टू गेट हिम अ बिगर वार्डरोब। रिपीट करेंगे तो खुद से इसका लॉजिक और ग्रामर समझ में आ जाएगा कि कहाँ टू नहीं लगाया है, कहाँ टू लगाया है। सो अयान इज आस्किंग मी टू गेट हिम अ बिगर वार्डरोब, बड़ा अलमारी लाने के लिए कह रहा है। फिर वो उसमें छुपा करेगा। देन ही विल हाइड इन साइड इट। अब इन दोनों सेंटेंस को जब हम बोलेंगे ना साथ में, तो हमको एग्जैक्टली समझ आएगा। अगर हम इस इंडिविजुअल सेंटेंस को ऐसे ही बोल दें तो ये थोड़ा अजीब सा साउंड कर सकता है। सो अयान इज आस्किंग मी टू गेट हिम अ बिगर वार्डरोब, देन ही विल हाइड इन साइड इट, इसके अंदर छुप जाया करेगा जो चीज मैं ला के दूंगा। राइट, इट दैट यह है, वह से कोई मतलब नहीं है कि दैट का मतलब वह और इट का मतलब यह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, हर सिचुएशन के हिसाब से वर्ड का मीनिंग
बदलता है. व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उनकी मॉम गिनती गिन रही हैं. उनकी मॉम गिनती गिन रही हैं, यानी कि ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग टुगेदर. उनकी मॉम गिनती गिन रही हैं, तो देयर मॉम इज काउंटिंग अप टू 50 इन द किचन. देयर मॉम इज काउंटिंग इन द किचन भी कह सकते हैं, अप टू 50. एग्जैक्टली गेम चल ही रहा है तो मैंने पूरा ही लिख डाला है. देयर मॉम इज काउंटिंग अप टू 50 इन द किचन. अगर जैसे हम इसका जी इस जो गेम में जो रोल प्ले करता है, जो गिनती गिनता है, उसको हम कहते हैं, अगर इसको लिटरली ट्रांसलेट करके कहें, देयर मॉम इज प्लेइंग द रोल ऑफ सीकर. सीकर कहलाता है वो. सो देयर मॉम इज प्लेइंग द रोल ऑफ सीकर. व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझे अपने साथ नहीं खिला रहे. वो मुझे अपने साथ नहीं खिला रहे हैं. दे आर नॉट लेटिंग मी प्ले विद देम. लेटिंग, लेट मतलब है परमिशन देना, लेना, कुछ करने देना. सो दे आर नॉट लेटिंग मी प्ले विद देम. अब देखिए, अगर मैं इसको कहूँ दे डिडंट अलाउ मी टू प्ले विद देम, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा. दे आर नॉट लेटिंग मी प्ले विद देम जब मैं कह रहा हूँ, तो मैं खेल की कंटिन्यूटी पे और अपनी इंटेंशन पे, दोनों पे कंटिन्यूटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब भी चाहता हूँ खेलूँ, बट दे आर नॉट लेटिंग मी प्ले विद देम. राइट? दे डिडंट अलाउ मी प्ले विद देम अगर मैं कहूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो आइडिया मैंने छोड़ दिया है. I wanted to play with them, but they didn't allow me to play with them. But I have abandoned the idea now. They didn't allow me to play with them, right? अगर यहाँ पर they are not letting me play with them, अभी भी इच्छा है. तो देखिए, इन शब्दों का बहुत बड़ा important role है. और जब तक live conversation नहीं सुनते हैं ना, तब तक समझ में आता ही नहीं है. अगर अचानक से translation की बहुत ज़्यादा practice की है, live English जब सुनेंगे, कोई natural English जब सुनेंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये तो सारे sentence अजीब से बोले जा रहे हैं. तो live conversation सुनना बहुत ज़रूरी है. All right, now. नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि मैं उन्हें अपने साथ बाजार लेके नहीं गया. दे आर नॉट लेटिंग मी प्ले विद देम, अपने साथ खेलने नहीं दे रहे, क्योंकि मैं उन्हें अपने साथ बाजार लेके नहीं गया था. मैं उनको बाजार लेके नहीं गया था. आई डिडंट टेक देम टू मार्केट विद मी. मैं अपने साथ लेके नहीं गया था. टेक मतलब है ले जाना. राइट? टेक मतलब लेना भी होता है, और ले जाने के लिए हम यही इस्तेमाल कर लेते हैं. आई डिडंट टेक देम टू मार्केट विद मी. जब मैं बाजार गया था, आई डिडंट टेक देम टू मार्केट with me. Now the next sentence is, ज़्यादा देर नहीं बीतेगी कि उनमें से एक रोने लगेगा. ज़्यादा देर नहीं बीतेगी कि उनमें से कोई ना कोई एक रोने लगेगा. It won't be long. अपने आप में एक phrase कह सकते हैं आप. ज़्यादा देर नहीं, would not का short form है won't. ज़्यादा देर नहीं होगी या नहीं बीतेगी, इसी तरीके से कह दिया जाता है. It won't be long before one of them will start crying. It won't be long before. उससे पहले अगर हम इस कॉमा को यहां से हटा करके यहां लगा लें, तो और क्लियरली समझ में आएगा. इट वॉन्ट बी लॉन्ग बिफोर वन ऑफ देम विल स्टार्ट क्राइंग. कोई ना कोई उनमें से रोना शुरू कर देगा. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उनमें से कोई ना कोई हर 15 मिनट में रोता जरूर है. उनमें से कोई ना कोई हर 15 मिनट में रोता जरूर है. एनी वन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई ना कोई, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई ना कोई क्राइज फॉर श्योर. देखिए, तीन सेंटेंस है, अगर इसको तोड़े छोटे छोटे, तीन सेंटेंस है. एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई ना कोई, क्राइज फॉर श्योर, रोता जरूर है. क्राइज फॉर श्योर, एनी वन ऑफ देम क्राइज फॉर श्योर एवरी 15 मिनट्स. तीन सेंटेंस है छोटे छोटे, और तीनों के अंदर कोई ग्रामर है भी नहीं. तो उनमें से कोई ना कोई हर 15 मिनट में रोता जरूर है. एनी वन ऑफ देम क्राइज फॉर श्योर एवरी 15 मिनट्स. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब 15 मिनट तक किसी के चीखने की आवाज़ नहीं आती है. अभी हम अपनी आदत की बात बता रहे हैं कि जब 15 मिनट तक कोई शोर शराबा नहीं होता है घर में, तो जब 15 मिनट तक किसी के चीखने की आवाज़ नहीं आती है, when there is no sound of anyone crying for 15 minutes, for 15 minutes, तो 15 मिनट तक आप आगे से जोड़ लेंगे, इस चीज़ को समझ लेते हैं. when there is no sound of anyone, when there is no sound of anyone, यानी 15 मिनट तक किसी का साउंड नहीं होता है. when there is no sound of anyone crying, इस तरीके से इसको बोला जाता है. किसी के बोलने की आवाज नहीं आती है, तो when there is no sound of anyone speaking, यहाँ cry मतलब है जोर से रोना. तो जब किसी के रोते हुए चीखने की आवाज नहीं आती है, when there is no sound of anyone crying for 15 minutes, तो हमें क्या महसूस होता है? तो ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है. जब चीखने की आवाज सुनाई नहीं देती है, तो ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है. इट सीम्स लाइक समथिंग इज मिसिंग. लाइक हर 15 मिनट पे शोर की आदत है, और जब हम 15 मिनट तक आवाज नहीं सुनते हैं, इट सीम्स, महसूस होता है. सीम्स मतलब लगना, लिटरल है लगता है. राइट? अगर महसूस होता है, इट फील्स लाइक समथिंग इज मिसिंग, महसूस होता है ऐसा, तो सीम्स फील्स में से दोनों में से कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हालांकि टीवी कोई नहीं देख रहा है. हालांकि टीवी कोई नहीं देख रहा है, ये वाला जो हालांकि है, ऑल दो, बिल्कुल लिटरल हालांकि है. हालांकि
ऑल्दो नो वन इज वॉचिंग टीवी, कोई भी टीवी नहीं देख रहा है, नो वन इज वॉचिंग टीवी नाउ, द लास्ट सेंटेंस है, लेकिन शायद ये कभी बंद होता हो। कहने का तात्पर्य क्या है, अभी जब मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं इसको, तो टीवी कोई नहीं देख रहा है, ऑल दो नो वन इज वॉचिंग टीवी, लेकिन शायद ये कभी बंद होता हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ इफ इट एवर गेट्स टर्न्ड ऑफ, राइट। सो ऑल दो नो वन इज वॉचिंग टीवी बट आई एम नॉट श्योर इफ इट एवर गेट्स टर्न्ड ऑफ, राइट। तो थोड़ा सा प्रोनंसिएशन की आदत डालनी है, और लिटरली बिल्कुल हिंदी के वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना है। नेचुरल इंग्लिश को सुनिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये सेशंस। आप लाइव क्लासेस में आएंगे तो आपको बिल्कुल रियलाइज हो जाएगा कि अभी तक सारी इंग्लिश समझ रहे हैं, फ्लुएंसी क्यों नहीं आ रही, बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स का सारा खेल है, ग्रामर का खेल नहीं है। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप करिए, लाइव सेशन में आइएगा और प्रैक्टिस करते रहना है, और फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, या कोई भी सजेशन आपका कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है, जरूर लिखिएगा। दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय बाय।